आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। ये भाई बादशाही टांग टूट रही थी और सतराली बास के नज़दीक, और भाई एक आधा किसान धर्मात्मा है, मुख्य जांगड़ा है, सतराली बास हैं। इसने भाई दो दिन तक बादशाही देखभाल करी। ये रोड का किनारा पड़ा था, पत्थर पुत्र लगाया भाई ने, इसका धन्यवाद। हम बदल सरपंच दरी है, हम सरपंच बदरंग शेखावत के जिम किया रहा था, जो लड़के की शादी है, तो रोड का किनारा पड़ा था भाई। बाकी मुझे जागनड़ा धन्यवाद से गुड़ भी खिलाया है, सानी सुन्नी सारी सेवा करी है। बाकी अब इसको गौशाला में कहीं डलवाएंगे ना, तो फिर दादरी गौशाला है बाबा जयराम, कौन सी है, नाराम दास सोशल वेलफेयर, उसमें डलवाएंगे। और इसके पैर में चोट है और देसी है, ये नहीं है भाई, बिलासी है, गिर है। लेकिन यहाँ से हजारों लोग गुजरे हैं इस रास्ते से, किसी ने भी इस बछड़े को ले जाने की, देखने की, उतर के या पानी पिलाना या चारा खिलाना या उसका हालताल पा देखना क्या दिक्कत है। इंसानियत मर चुकी है। सौ में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं मुखे जांगड़ा जैसे, जिन्होंने कुछ तो किया इसके लिए, लेकिन थोड़ा सा हमने कर दिया। गाड़ी लेके जा रहे थे, रास्ते में बछड़ा मिल गया, गौशाला में छोड़ देंगे, इसकी सेवा हो जाएगी। तो भाई जो भी भाई इस तरीके के जानवर है, पशु कोई भी हो, उसको सही मुकाम तक तो पहुंचा सकते हो। अगर कोई ना भी पहुंचा सके तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं आऊँगा, मैं पहुंचाऊंगा। कोई पक्षी हो, पक्षी पशु कोई भी हो, मेरे नंबर आप सबके पास है, 94161126624। मैं आऊँगा, गाड़ी बुलाऊँगा, एम्बुलेंस, या फिर मैं मेरी गाड़ी में लेके जाऊँ, जो भी करो, परंतु इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। हर इंसान को भगवान ने जन्म दिया है। ये साफ देख रहे हैं, इसमें पैर में चोट है। ये अपनी गाड़ी है, एक गाड़ी क्या है, छोटी सी एक कबाड़ से नहीं समझ लो, और भाई सेवा के लिए ले रखी है लोगों का खतर। तो भाई धन्यवाद, कितना ही था हमारे लिए। मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।